Today is with me Kashmir Valley's budding female cricketer who has a lot of talent and who wants to break the stereotype which is prevailing in our society. Sumaya, इससे पहले मैंने सुना है कि आपको लोग सैम के नाम से पुकारते हैं। ऐसा क्यों आपको बुरा नहीं लगता? सैम अगर चे लड़कों का नाम है आपको बुरा नहीं लगता? नहीं सर, एक्चुअली सैम नाम जो मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे पुकारते हैं वो इसलिए पुकारते हैं क्योंकि जब हम मतलब ग्राउंड में होते थे तो जब कोई मतलब कॉल की ज़रूरत होती थी ग्राउंड में तो सुमाया नाम थोड़ा लंबा पड़ जाता था उनके लिए, तो वो लोग मुझे सैम से पुकारते थे। और फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरी फैमिली का भी कहना था सैम तो लड़कों का नाम है तो ये आपको क्यों सैम के नाम से पुकारते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स ने इस बात का जवाब दिया था कि आप लड़कों से कम नहीं हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, आप लड़कों से कम नहीं हो, इसलिए हमारे लिए नाम मतलब आपके लिए बहुत अच्छा सूट करता है। मेरे जो यहाँ पे स्कूल टीचर थे परवेज़ सर, उन्होंने मुझे कहा कि आप में काफ़ी टैलेंट है, आप क्रिकेट में एक अच्छा मतलब कर सकते हो। हमने एक दिन मैच खेला था ऐसे ग्राउंड में तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था और सर को लगा शायद मेरे मूवमेंट्स वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी की उन्होंने मेरी देखी थी, तो उन्होंने कहा कि आपका अच्छा करियर क्रिकेट में जा सकता है। तो मैंने अपना फिर करियर 2008 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया क्रिकेट में। तो उसके बाद मैं पहला मैच जो था वो हमारा सोनवार में था बॉयज़ स्कूल में, तो जो कि मैंने हायर सेकेंडरी से मैंने मतलब ये टीम के लिए सेलेक्ट हुई थी, तो वहाँ पे मेरा जो स्कोर था पहले मैच में वो 57 रन था। मतलब मुझे पता भी नहीं था तब क्रिकेट गेम है क्या, ऐसे गए थे मैच खेलने के लिए। मैंने 57 रन स्कोर किया और मैंने 5 विकेट ली थी उस मैच में। आपने ये भी देख लिया कि किस पोजीशन में किस हालत में किन हालातों में जो ग्राउंड पोजीशन है, यहाँ पे आपने खुद देखा कि कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, अनथक मेहनत कर रही है। उसका जो फादर मदर भाई है मतलब काफ़ी उनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो काफ़ी कमज़ोर है, वो भी अपना जान लगा के उस पर निशावर कर रहे हैं सब कुछ कि ये आगे जाए। कि मैं भी चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के जो इंटरनेशनल के क्रिकेट टीम है उसमें सिलेक्ट हो जाए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसको कम से कम इसकी तरफ ध्यान दे दे कि ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें ये शामिल हो जाए, वहाँ पे इसका मतलब फर्दर कोचिंग हो जाए तो ये काफ़ी आगे जा सकती है। इसके लिए मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि जब तक इसके पीछे मतलब कोई मतलब गवर्नमेंट का साथ नहीं होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, तो तब तक क्या ये बिचारी कर सकती है। तो फिर उसके बाद 2011 में जेके से का टूर था, मैंने वहाँ पे मैचेस खेले थे, दिल्ली में था, हरियाणा में था, पंजाब में थे मैचेस, वहाँ पर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था हरियाणा टीम के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ जो कि अंजुम चोपड़ा दी है उनके साथ हमारा मैच था, तो मैंने उनकी उस दिन उनकी विकेट भी ले ली थी। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोचेस सेलेक्टर्स उस बात से भी इम्प्रेस हुए थे और मैं वहाँ पर जोन के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था जो जोन कैंप लगता है। तो 2011 में मैं जोन कैंप में गई थी, वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा था लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा था कि ताकि मैं जोन टीम में जा सकती थी, क्योंकि सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से हम ज़्यादा उतना मतलब टैलेंट तो था हम में लेकिन स्किल्स का पता नहीं था, क्रिकेट गेम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राउंड में वो कुछ भी नहीं पता था क्योंकि हमने कहीं से सीखा नहीं था। बैट हमेशा ऐसे पकड़ते हैं जो दो हाथ हैं इनमें गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, साथ साथ में बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, और जो बैट टैप करते हैं ना वो यहाँ पे नहीं करते, आप ऐसे पकड़ते हो ना, ऐसे नहीं, ये ऐसे रखना होता है पीछे वाले पैर के आसपास, ठीक है, चलो पकड़ो ऐसे बैट है ना, तो लेफ्ट शोल्डर से आपको वहाँ पर बॉलर की तरफ देखना है, ठीक है। یہ بیٹ گن اس بڑے ون چھ دن ات گو بیٹ گن اس پی بیٹ کیا گو بال کیا گئی بچی شوق انٹرنیشنل لیول پہ وات مے جان तो वहाँ से मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिला था किसी की तरफ से, अगर था सपोर्ट वो था मेरे भैया का, वो था मेरे मम्मी पापा का और मेरे दो तीन फ्रेंड्स थे, काउंसलर थी, हमारा थी, जिन्होंने मुझे हमारा मतलब हमेशा इस फील्ड में सपोर्ट किया है। जब मैंने पहले पहले ड्राइव करना सीखा था तो हर एक का कहना था मेरे भैया को मेरे घर वालों को, क्यों आप मतलब लड़की को गाड़ी दे रहे हो, लड़कियों का गाड़ी के साथ कुछ काम ही नहीं है, अगर मतलब बेटे को आप सिखा रहे हो तो वो सही है लेकिन आप लड़की को क्यों सिखा रहे हो। लेकिन मेरे भैया ने मेरे डैडी ने कभी भी इन चीज़ों को मतलब माइंड नहीं किया था कि अगर हम लड़की को गाड़ी चलाएंगे वो शायद कुछ गलत हो सकता है, उन्होंने इन चीज़ों को कभी माइंड नहीं किया।
और मुझे लगता है कि ड्राइविंग वैसे सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपनी ज़रूरत है, हमें कहीं भी जाना होता है, चाहे ग्राउंड जाना है, ऑफिस जाना है, किसी भी काम से जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मतलब लड़की के साथ भाई रहे, कोई रिलेटिव रहे या पापा रहे। तो ये पैशन हर एक चीज़ में मतलब ये होना चाहिए। ड्राइविंग भी एक ऐसी चीज़ है, आपके पास मतलब घर वाले हमेशा आपके साथ ड्राइवर नहीं रख सकते, या मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो मुझे गाड़ी ला के दे सके और साथ में ड्राइवर भी ला के दे सके, और इसलिए इस चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे कभी किसी बात का डर नहीं था, जैसे कि मुझे लोग कहते थे अगर आप ड्राइविंग करते हो तो लोग आपको मतलब मारेंगे, ऐसे हालात है वैसे हालात है, लेकिन मैं कभी इन हालातों से कभी भी नहीं डरी हूँ, क्योंकि अगर इन हालातों में अगर हम इन चीज़ों से डरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। Thank you.